कल परसों दोनों चीज बंद रहेगा, अरे कल और परसों यूट्यूब लाइव और जूम दोनों बंद रहेगा, हम रहेंगे नहीं। नितेश सर नमस्कार सर, दिलदार खान जी कहाँ से हैं? कल आवाज आ रही है दिलदार खान जी? बात कीजिए आप। संतोष जी हाँ सर, इसे सर नमस्कार, आपको बोला मैंने आपको सुनाया नहीं सर। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार, क्या है नया? बस बढ़िया सर, पानी गिर रहा है तो मोटर बना रहे थे अभी। ठीक है हाँ सर, सिंगल फेस थ्री फेस दोनों बनाते हैं? हाँ सर, सिंगल फेस थ्री फेस दोनों बनाते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार नमस्कार सर, सिंगल फेस थ्री फेस पंखे कूलर वॉशिंग मशीन फ्रिज सभी काम करते हैं। डबल फैन भी बनाते हैं? हाँ सर, टेबल फैन भी बनाते, कूलर टेबल फैन, ज्यादा मोटर का काम आता है सर, सबमर्सिबल का काम ज्यादा है, मोनोपला के सबमर्सिबल है। सर आपके नंबर लिए मैंने सर से। नमस्ते सर सभी को। हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या बोले संतोष जी? इतने सर आपके नंबर लिए मैंने सर से, वो लेट के बारे में बात करना थी इसके लिए, तो अभी सेव नहीं किया सर के, इसमें 5-6 दिन पहले लिए थे मैंने, अभी टाइम ही नहीं मिला, तो नंबर सेव नहीं करे आपके। कभी भी फोन कर सकते हो। हाँ मैं सर से बात कर लेंगे एक बार सर, वो लेट मशीन के बारे में पूछना था आपसे, वो नंबर लेके ने तो गुजरात में ही बनाते हैं सर मशीन तो। अजी? गुजरात में ही बनाते हैं सर मशीन तो? नहीं, गुजरात में राजकोट में बनाते हैं, राजकोट हब है उसका। अच्छा, नहीं आपने बोला था वो कहाँ पे बनाते हैं सर? अजी? आपके वो है नहीं कोई भाई साहब रिश्तेदार सर? हाँ भांजा है। हाँ सर, सर प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम, नमस्कार सर। वो कहाँ पे बनाते हैं सर? और लेट मशीन बनाते हैं और रिपेयरिंग भी करते हैं। हाँ सर, अपने को तो नया लेना है। हाँ नया ही नया बनाते हैं और पुराना भी रिपेयर करते हैं, जो किसी का आता है ना बड़ा। हाँ। सर कौन सी कंपनी का बनाते हैं वो? कैसा देखिए, इधर है ना सब अपनी कंपनी का होता है, आप जैसे क्रोमटन है ऐसा कुछ वो तो सबका कंपनी नहीं होता है। अच्छा, ब्रांडेड है अपना अपना, सबका ब्रांडेड अलग होता है। हाँ सर, किसी नाम से तो होगा नहीं क्या? वो बनाते हैं वो सब जीएसटी में, उसे सब पूरा कंप्लीट। हाँ। होता है वो। हाँ, मेरे ख्याल से चामुंडा मशीन टूल्स करके उसका है, ब्रांड कौन सा। हाँ। लगाते मालूम नहीं है। हाँ सर, सर अभी 1 महीने के बाद है जाने का। पहले बनाते थे अजय ब्रांड में बनाते थे, अभी तो मालूम। हाँ, नहीं कौन से ब्रांड में, मेरा जीजाजी। हाँ। का ही वो बड़ा भाई का। हाँ। लड़का है, जीजाजी तो एक्सपायर्ड हो गए है, इसलिए वो उनका बड़ा भाई का लड़का खुद बना रहा है। हाँ सर, वो कम से कम 35-40 साल से उसका एक्सपीरियंस है और बनाते हैं। हाँ सर, सर अभी 1-1.5 महीने के बाद में आने का उधर मशीन देखने के लिए, तो मैं उनकी सर से एक बार बात कर लें कहाँ पे है मशीन के फैक्ट्री वगैरह उनकी, तो यहाँ राजकोट में है। हाँ। मिल जाएगा और आप भी विजिट भी कर सकते हो। हाँ सर, जैसे कि मैं उनके सर से एक बार अपन पूरा पक्का पता ले लेंगे तो जाने में सहूलियत रहेगी। नहीं नहीं रूबरू तो आना चाहिए एक बार।
हाँ सर। अरे संजीव सर नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। नमस्कार दीपक जी सबको नमस्कार। अरे हितेश भाई नमस्कार। हरे राम जी श्रवण जी प्रणाम सर सबको प्रणाम। प्रणाम सर। हितेश जी आप काय की मोटर बना रहे हो उस समय? अजय आप किस चीज की मोटर बना रहे हो? अभी तो थ्री स्पीड है। थ्री स्पीड ये किस चीज में लगती है मोटर? ये अजय काहे में लगती है थ्री फेस की मोटर? ये क्या टेबल फैन का थ्री स्पीड है? सिंगल फेस का है ना फिर? अरे नहीं टेबल फैन थ्री स्पीड पंखा है। हाँ थ्री स्पीड है ना, है तो सिंगल ही फेस में। उन्होंने बोला थ्री स्पीड। नया वाइंड कर रहा हूँ, नया या पुराना वाला? नहीं वाइंडिंग करते हैं, नया नहीं कुछ बनाते हैं। सेकंड हैंड है? अच्छा जी। रिवाइंडिंग कर देते हैं। क्या लेते हो उसका, इसकी बनवाई क्या लेते हो? 400 रुपया 25 mm स्टैम्पिंग का। अच्छा जी। आप बनाते हो? आप बनाते हैं? अभी पंखे बनाए हमने, बना के रखे हैं पंखे। ये क्या बनाए? ग्लो मशीन से बनाए। एक ये पंखा बनाया है और सीलिंग फैन है ना? हाँ सीलिंग फैन बनाया है। एक ये बना बनाया है, दो बनाए हैं। ये मशीन रखी है। ईशान। हाँ जी हाँ जी। ग्लो मशीन है ना? ग्लो मशीन है किसान की। मल्टी डाई है सर? नहीं। हाँ मल्टी डाई है सर, सब मल्टी डाई है, सारी मल्टी डाई है। अब हमारा राजकोट का ही मशीन है, वो अलग से डाई आता है उसका। पहले मास्टर डाई लिया था, बड़ा परेशान हो गया था। अब मैं मल्टी डाई लाया हूँ सारी। मास्टर डाई सस्ते नहीं है। जी जी बिल्कुल बेकार है, वो परेशान हो गया था मैं पिछले साल। सर बेकार तो नहीं है, अरे तो एडजस्ट में एडजस्ट करने का तरीका अलग है। अरे सर 6 महीने एडजस्ट करता रहे, 6 महीने से नमस्कार। नहीं ना उसका आप पॉइंट नहीं पकड़ पाए ना कि उसमें सेटिंग क्या किया जाता है। टाइम लगता है सर? टाइम तो लगता है सर, उसका फॉर्मूला इनको अभी तक पता नहीं चल पाया। सही है, मेरे लिए तो सर यही बेस्ट है, बस लगा ही बना दिया। मल्टी डे ही अच्छा है सर। जी मल्टी डे नमस्कार। नए रे पुराने रे सबके लिए आसान है, मतलब मास्टर डे जो है। हां मोल जी नमस्कार। बोलिए सर। अमोल सर प्रणाम। नमस्ते अमोल सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सर अमोल सर। नमस्ते सर अमोल सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बोल रहे सर। हेलो सर। हेलो बोलिए सर। जिस तरह आप परेशान होते ना सर, हम भी इंजेक्शन मोल्डिंग का हमारा जो काम होता है सर, उसमें डाई का ही फंडा है सर। डाई को एडजस्टमेंट करने का ही तरीका अलग अलग होता है सर। अलग अलग होता है जी। ऐसा है सर, हमने सर अमोल सर से राय ली थी, और सर वो हमारे एक वो टेक्निकल सर है ना, टेक्निकल जी सर, चामली। तो उन्होंने सर मेरे को राय दी, बोले आप जो है मास्टर डाई हटाओ, मल्टी डाई ले आओ, आपका समाधान हो जाएगा। फिर मैं मल्टी डाई लेके आया। टेक्निकल चामली सर हमारे उधर का ही है सर। अच्छा बिहार में ही है आपके? जी जी जी। हाँ जी, तो अमोल सर ने भी हमको राय दी थी, बोले आप जो है वो ले लो डाई वाली मल्टी डाई वाली। फिर ये लाया मैं, आप सही बाइंड करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उसने भी दो मशीन लगाया है सर। टेक्निकल ने तो शायद आपका कॉल आया था ना मेरे को, आज ने कॉल किया था ना। जी सर ये पंखे बाइंड करे हैं आप 12+12।
एक ये वाला वाइंड करा है, दो पंखे वाइंड करे, अभी अभी वाइंड करके रखा हूँ दोनों ये है। किसान में अरे सर एक बात बताओ जी, दिलवर खान सर जी, सर जी सर बोल रहे उसमें क्या कॉइल के ऊपर कॉइल चढ़ा भी है क्या सर? किसमें स्टैंपिंग दिखाना सर आप? किसान में नहीं चढ़ता सर, गैप होता उसमें? हाँ गैप तो है, गैप तो है सर, वो तो 12 पोल है। हाँ जी हाँ जी 12 पोल है, 12 पोल में क्या प्राइस है? हाँ अभिमन्यु जी नमस्कार, कहाँ से हो दिलवर? अभी भी बरस रहा है। हाँ बारिश हो ही रही है, कंटिन्यू है बारिश। अभिमन्यु सर प्रणाम। हाँ प्रणाम अभिमन्यु सर, प्रणाम 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 सबको 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 प्रणाम। मोती भाई नमस्कार। हाँ नमस्ते बोलिए अभिमन्यु जी नमस्कार। हाँ नमस्ते, आज दीपक जी है, दीपक जी है? नहीं सर दिलदार जी सर। अच्छा अच्छा, आज दिलदार खान है ना जी? जी जी कैसे हैं? बढ़िया है सर, सर अपने सुनाइए। हाँ हाँ मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। अभिमन्यु सर। हाँ हाँ बोलिए। ओ आज गए थे ना, वो बताए नहीं थे वहाँ पे जो 8-10 मॉडल का जो फैन था जो लाइट बॉडी में? हाँ हाँ, तो उनके पास हीटर ब्लोअर का भी काम होता सर जो ठंडी का है। अच्छा अच्छा। हाँ आज उसके पास गए थे। हाँ तो हीट बोला कि हीटर ब्लोअर का सारा काम चलता उसके पास। अच्छा, और एक जो भेजे थे ना वो वाला कार्ड? हाँ हाँ हाँ, आज उन्हीं के पास से अभी आया है 10 मिनट पहले सर। अच्छा अच्छा, रेट वेट लिए थे क्या? नहीं रेट तो उसके सर से लेना पड़ेगा ना सर, रेट तो जो है ना वो हमारा एक बताए नहीं थे गुरु जी है हमारा बहुत पुराना। हाँ हाँ, इस लाइन का इंजेक्शन मोल्डिंग लाइन का, तो उनसे वो उन्हीं के पास काम करते हैं अभी। अच्छा। तो वो बताएंगे, अभी तो हमारा सीजन चालू होने वाला है हीटर ब्लोअर के लिए। अच्छा, कौन सा बनाते हैं हीटर ब्लोअर? बहुत सारे आइटम बनता है, मतलब हम इतना क्लियर नहीं कर पाए, मतलब वो बोला कि बनता है, अभी उनका सीजन चलेगा उसी चीज का। अच्छा अच्छा, आते हैं ना अगस्त में आते हैं जी? आइए सर आपको मिलाते हैं उससे। आते हैं आते हैं। नमस्कार प्रणाम सर। प्रणाम सरवन भाई। प्रणाम। हाँ नमस्कार। नमस्ते सिद्धजी। बाप रे आज तो ड्रेसिंग का स्पेशल है सर, लाल लाल था ना वो आज नहीं है। बारिश हो रही है झमाझम। हाँ यहाँ पटना में हुई है मुश्किल से 15 मिनट, फिर गर्मी हो सही है ना। बारिश तो आज जो शाम में हुई आंधी और बारिश, वो तो बाप रे बाप गजब बारिश दिया। हम तो कल देखे थे सर, कल ही बारिश होने वाला था भागलपुर में। कल भी हुआ है बारिश? हुआ ना सर, दिल्ली में भी हुआ था सर कल, आज तो नहीं हुआ, मतलब रात में हुआ, 3 दिन से रात में हो रही है बारिश। जरूरी है बारिश पड़ना भाई, गर्मी अभी दिल्ली में अब गर्मी थोड़ा सा कम हो गया, 38 जैसे चलते थे और मशीन का टेम्परेचर अलग। तब तो बहुत राहत होगा। वो मशीन का पता किए थे क्या? वो जो सर बता रहे थे वो लोहा वाला जो बॉडी पावर प्लस कर सर। हाँ लोहा वाला बॉडी जो बनता है और पाइप सर, उससे हमको भेंट नहीं हो पाया सर, इसलिए नहीं पता कर पाए। एक दिन तो हमको टाइम ही नहीं था, जब टाइम था तो वो मिला नहीं हमको, वो कहीं चला गया था। कि पूरा सेटअप का कितना पड़ता है? ठीक है सर, हम पता करके आपको बताएंगे सर। वो हमको ना वो कहीं कलेक्शन में चला गया था, वो जो है ना उसका सुपरवाइजर, वो कलेक्शन का भी काम करते हैं सर। अच्छा अच्छा, तो इसलिए हमसे वो नहीं संपर्क हो पाया। अच्छा, वो मशीन 440 से चलता है सरवन जी या 220 से? नहीं सिंगल फेस से चलता। सिंगल तो आपका मोटर सिंगल फेस लगाए तो उससे चलेगा, या डबल 3 फेस होगा तो उससे चलेगा।
और प्रेशर जो होता है तो वो आवाज आवाज भी करता है। करेगा नहीं, वो ढक ढक से। हाँ, ढक ढक का आवाज होता है उसमें, शॉट मारेगा तो ढक से करेगा। जैसे हम बता रहे हैं अपने लोग का चक्की चलता है ना सर, आटा पीसने वाला, हाँ, तो उसका फीटा का फीता का जो ज्वाइंट होता है उसे नहीं फट 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 का आवाज होता है, उसी तरह उसका आवाज होता है। अच्छा, आवाज तो होता है उसमें। अभिमन्यु सर आप, हेलो, हाँ जी अभिमन्यु सर, हाँ बोलिए सर। आप माल वहाँ फराटा लेके आए थे, फराटे पंखे संजीव गोयल के यहाँ से? नहीं नहीं हम नहीं लाए थे। तो सीलिंग फैन तो लेके आए थे आप? हाँ सीलिंग फैन लाए थे। तो सीलिंग फैन ठीक ठाक निकला? कोई कंप्लेंट तो नहीं है जाते ग्राहकों में? नहीं ठीक है ठाक निकला, मिला जुला के ठीक है था। अच्छा चल जाएगा तो दो पीस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं हम भी माल लाने सोच रहे हैं बार ना वहां से। अच्छा हाँ जी, क्योंकि हमारी भी दुकान है, इस समय तो घर पर काम कर रहे हैं, इसे घर पर मशीन रखी है, बाकी दुकान पे काम करते हैं पूरा दिन। आप कहाँ, झारखंड से है ना? नहीं उत्तर प्रदेश से, जिला पीलीभीत। अच्छा अच्छा उत्तर प्रदेश से। अभी आप लाइएगा ऑफ सीजन में? नहीं अब तो नहीं आ पाएंगे, जब फरवरी में जाएंगे, अब फरवरी में। अच्छा फरवरी में जाएंगे जी, अब तो सीजन चल रहा है, अब तो जा नहीं पाएंगे। अगले सीजन में जाइएगा तो फिर। हाँ ठंडी में जाएंगे, ठंडी में यहाँ काम कम रहता है ना बहुत ज्यादा, बिल्कुल काम खत्म हो जाता है ठंडी में। अच्छा अच्छा, खाली बैठना पड़ता है कुछ दिन को। एग्रीकल्चर का मोटर नहीं करते हैं क्या सर? एग्रीकल्चर का जी बनाते हैं, यहाँ सात सात एचपी की मोटर बनाते हैं, थ्री फेज सात एचपी, 5.5 एचपी की। तो फिर काम तो नहीं कम होना चाहिए सर सर्दियों के टाइम में? असल में यहाँ पे मिस्त्री ज्यादा है ना हमारे क्षेत्र के अंदर। अच्छा कंपटीशन मार्केट है वहाँ पर? हाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जिस मार्केट में बैठा हूँ वहाँ पे 7 मिस्त्री हैं। नहीं रेट का जो हिसाब किताब सही रखिएगा तो कंपटीशन नहीं हो पाता। रेट का तो सही रखे हैं, लेकिन बात यह है मैं भी अभी 3 साल से दुकान खोला हूँ, वैसे काम तो मेरे को 10 साल करते हुए हो गए, मैं जयपुर था काम करता था पहले, अब 3 साल से दुकान मैंने डाली है यहाँ पे। सर जयपुर का रेट अलग है, अपने उत्तर प्रदेश बिहार का रेट अलग है सर। लाइन में आइए। ड्यूटी कितने बजे जाते हैं सरवन जी? सर ड्यूटी तो हम जाते हैं ऐसे तो 8:30 है, हम तो 9:30 जाते हैं। 9:30 से लेकर के 8:30 बजे तक? 9:30 से 8:30 तक जी। मेंटेनेंस का काम है सर, हम तो काम तो करते नहीं है, मेंटेनेंस का देखभाल करना, वहाँ भी बैठना घर में भी बैठना बात बराबर। अच्छा अच्छा, अब बाकी तो काम तो जो भी प्रॉब्लम होता है, कोई मशीन में दिक्कत आ गया, कुछ हो गया या टाइम में फोल्ड हो गया, उसके लिए हम करते हैं। जब लड़के कम है तो खाना पीना खाने के लिए लड़का को छोड़ना है तो उसके लिए 2-3 घंटा वर्किंग करते हैं, ऐसे बात नहीं है। जय जगन्नाथ शक्ति जी। आवाज ही नहीं मिल रहा है इनको लगता है। अमोल जी आज सिद्धक देव जी में सिर्फ एक ही थोड़ा डिफरेंट है, वो थोड़ा भगवा पहन ले तो बाबा रामदेव दिखना चाहिए। देख लीजिए पूरी तरह से ऐसे ही रखा हुआ है, असली ड्रेस यही है इनका, असली ड्रेस यही है भाई। थोड़ा भगवा पे लगा देना कपड़ा तो बाबा रामदेव दिखेंगे। चश्मा भी निकालना पड़ेगा, चश्मा भी निकालना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट लेंस लगा लीजिए। इनको अगर ऐसे ही लेते जाए ना, और अगर वहाँ दिल्ली में जो है इनको मार्केट में निकाल ले तो आदमी पीछे पड़ जाएगा। सबको आशीर्वाद देते रहेंगे बाबा जी, कलेक्शन अच्छा कर लेंगे, पूंजी का जरूरत नहीं होगा, कलेक्शन ही कर देंगे, माल खरीदते रहिए। फिल्म में था ना गोबर वाला बाबा। देखो निकाल लिया नितेश भाई, निकाल लिया गोबर वाले मामा, चश्मा निकाल लिया। जितेंद्र जी कहाँ से हैं? सूरत से।
सूरत से हैं। अच्छा देखिए सूरत कर? राजकोट साथ में है एकदम। क्या कहते हैं पंखा बना रहे हैं कौन सा टेबल फैन है सीलिंग फैन है। अच्छा आप पहचानते हैं हितेश भाई इनको? नहीं देखा। आपका आवाज कहाँ गया शक्ति भूषण? आवाज नहीं आ रहा सस्ता वाला हेडफोन है। शक्ति भूषण जी का जी बोलेंगे। जयराम भाई नमस्ते। इतने सर अपना लड़का को दिखा रहे थे कि देखो रामदेव बाबा जी। आवाज नहीं आ रहा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ भाई जी। अंदर जी का मैन्युफैक्चरिंग है पंखे का? शक्ति नहीं शक्ति भूषण जीजू बोलेंगे आज। हाँ बोलिए क्या बात है बोलिए। वो कुछ कहना चाह रहे थे दो तीन दिन से वो नहीं बोल रहे। बोलना चाहिए ना। क्या कहना चाहता? बोलिए बोलिए। मैं जो करना चाहता था वो बात कर दिया गुरु जी के साथ आज। नहीं नहीं यहाँ पे बोलो फुसुर फुसुर करने से भी बोलो। हमको भी बताइए। फंस गयो बोलो। नहीं नहीं क्या बोलेगा तो क्या प्रश्न क्या है तो मेरे को तो मालूम है क्या बोलेगा। नहीं आप बोल रहे थे तीन दिन से मैं बोलने वाला हूँ बोलने। बोलो क्या बोलो। किसको बोला था तीन दिन से? मेरे को बोला बोलो। झूठ बात क्या बोल रहा है? बोलो बोलो। अरे तो आप ही बोल दीजिए ना क्या बात था आप ही बोलिए। नहीं नहीं मेरे को बोला मैं खुद ही बोलूंगा कोई नहीं बोलेगा। अरे खुद नहीं बोल रहे हैं तो आप बोल दीजिए। क्या आप बोलो आप बोलो आप बोलो। मैं तो अनुमति दे रहा हूँ आपको बोलो। क्या मैं बोलने वाला था? मेरा कुछ भी नहीं आप बोलो। कौन खिचड़ी पकाए हुए दोनों मिलके। बोलो मार्केटिंग के बारे में बोलो क्या है कैसा मार्केटिंग है? तो अच्छा चल रहा है। अभी स्टैंड टेबल फैन स्टैंड फैन का ऊपर बहुत गहर आ रहा है डिमांड। दो दिन का छुट्टी है मालूम है ना सब कोई को? हाँ सर मालूम है। सैटरडे और संडे। सैटरडे तो आज है ही है। हाँ सर संडे और मंडे। संडे मंडे जी अभी ना खाओ मंडे। आज वाले संडे सर पूरी जी किधर जाएगा? हाँ किधर जाएगा घूमने के लिए क्या? अरे ये वक्त बताएगा। वक्त बताएगा सर। जा रहे हैं सर जा रहे हैं हवाई तरफ। अभी ये तो वक्त बताएगा गाड़ी किधर जाएगा। तारा जी सर देख लेना है सिचुएशन तभी निकलना है गाड़ी से। आज देखा जाएगा निकलने के बाद देखा जाएगा। आज तो खुफिया विभाग अलर्ट किया है सारे राज्य को अलर्ट किया है कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा दिया है कल के बारे में। हाँ राम भाई नहीं होता सर दो दिन कैंसिल कर दीजिए। ट्रेन तो कैंसिल ही रहेगा सर हमको नहीं लगता कोई ट्रेन चलेगा। हाँ ट्रेन तो कैंसिल आज हमारा भैया गया है ना एगो तो आज उसको बस में बस लेकिन इंटरसिटी गया भागलपुर आज आई होगी। हाँ पटना से बहुत लोग गया इंटरसिटी से। कल भी 208 ट्रेन रद्द किया है। हाँ लेकिन आज गया पटना से इंटरसिटी। आज बोल रहे सर वो ट्रेन रद्द था ना तो भैया को बिठाए हैं बस में यहाँ से। नहीं ट्रेन का जर्नी थोड़ा रिस्की लग रहा है अभी फिलहाल। अब शांत हो गया सड़क मार्ग कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं शांत हुआ है। चलिए विषय भटक जाएगा। हाँ हाँ हेलो हेलो संजीव सर। हाँ सर। सर ऐसा है कि ये स्टेबलाइजर का सामान सर कहाँ पे मिलेगा सर बढ़िया क्वालिटी का? लाजपत राय मार्केट कैलाश ट्रेडर 180-183 में मिल जाएगा। अच्छा जी यहाँ पे सर क्या हमारे यहाँ पे कोर का लफड़ा ज्यादा है कोर नहीं मिलती है सर। चल जाइए एक बार कैलाश से जाके मिल लीजिए कैलाश ट्रेडर्स लाजपत राय मार्केट 180-183 मिल जाएगा। अच्छा जी वहीं जाऊंगा सर। और सर एक पीस मिल जाएगा क्या हमको जैसे एक कस्टमर का कोर लेना है तो?
नहीं मिलेगा, 10 किलो का डब्बा आता है, 10 किलो कोर का डब्बा आता है, और एक डब्बा देगा भी नहीं, 10 किलो 8 डब्बे का एक कट्टा आता है, एक कट्टा से नीचे तो देगा भी नहीं। एक 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 ट्रांसफार्मर जैसे कि सर 5 किलोवाट का लेना हो तो कैसे होगा? नहीं होगा, वो लोकल से। सरवन जी वहीं पे है, उधर ही बाजू में है कोई, वो दे देगा, एक एक पीस भी देता है वो। हाँ तो घूमिएगा जाइएगा, आपको जाने में क्या दिक्कत? सर अभी तो गर्मी बहुत ज्यादा था, आज तो जा नहीं पाया, तो ठीक था मौसम, नेक्स्ट संडे देखते हैं कैसे होता है। सैटरडे को अरविंद जी नजर नहीं आ रहे ना? अरविंद जी भी नहीं है, दीपक सर भी नहीं, आज दीपक जी तो शिवा भाई भी नहीं है। आज अमूल भाई सेक्शन चलाएगा, क्लास चलाए मैं कुछ भी नहीं, खाली सुनता मैं आज, क्योंकि हमारा बहुत पिछड़ निकल रहा है इधर, बारिश नहीं हो रहा और बोआई का काम चालू हो गया, मोटर वाले इतने परेशान करते हैं सवेरे से, 2 दिन से वही कारण से मैं आया नहीं इधर। मोटर का काम तो बढ़ रहा है ना, काम यानी मोन्टी भाई बारिश नहीं हो रहा ना इधर, बारिश अगर हुआ तो काम रुक जाता, फिर मोटर चलाने का काम नहीं पड़ता। अभी कैसा हो रहा, कुएं में जो पानी है ना उससे बोआई का काम चालू है, और परेशान हो जाता है, बारिश होगी। हाँ सभी को अर्जेंट ही रहता हूँ, कल तो मैं 10:30 बजे आने वाला है। हमारे अभी धान की कढ़ाई चालू हो गई हमारे यहाँ, अब तो सभी जगह धान का खेती शुरू होगा ना। हाँ लेकिन बारिश नहीं हुआ ना। न्यूज़ कहाँ से मिला अभिमन्यु जी, इंटेलिजेंस वाला जो बोले? जी न्यूज में दे रहा था सर, ये आज तक में दे रहा था। कितना बजे देखे? हम देख रहे थे आपका लाइव भी चल रहा था 9:30 बजे। अच्छी बात, ठीक। जयराम भाई नमस्ते। अरे आवाज नहीं आ रहा, मैं आपको अभी तक 25 बार नमस्ते कर चुका हूँ, आवाज नहीं आ रहा। जयराम जी का आवाज आ ही नहीं रहा है। जयराम जी जब बोलते हैं तो फिर सबका आवाज दब जाता है, क्या हो गया आज आपको? आवाज नहीं आ रही है, फिर से कनेक्ट होइए। हाँ ना आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है उसमें। अब आवाज आ रही क्या? आप तो आया एकदम, आप जयराम भाई, जगन्नाथ ब्लूटूथ को कनेक्ट कर दिया था। जयराम भाई हमारा लकड़ी वाला फर्मा के लिए क्या हुआ? अभी तो हो गया 18 तारीख, कल संडे में कल जाएंगे उधर। आप बोला था 15 तारीख के बाद बात करेगा बोल के। जाऊंगा कल जाऊंगा, कल उधर काम है मेरे को, लखनपुर में देखूंगा कल। काइंडली दे देगा तो अच्छा होगा। हाँ जाके देखता हूँ कल। जयराम भाई नमस्ते सिद्धक बाबू। जयराम जी नमस्कार। नमस्कार बारिश हुआ। नमस्कार सर जी। हाँ सर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था सर, अब मेरे को उसका पता नहीं था कैसे कनेक्ट होगा सर। ऐसी सादर। जयराम भाई क्या काम कर रहा है अभी? भवानी जी भी आ गए हैं, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जयराम भाई और लकड़ी के बाद में कल हमको कितना बजे पूछेगा आपको फोन करके? कल 3-4 बजे टाइम में फोन करो। थोड़ा काइंडली दे देगा तो अच्छा होगा, हमारे पास थोड़ा डिमांड है अभी इसका। ठीक है चलेंगे, भेज देता हूँ ना। हाँ हाँ कल मैं 4 बजे आपको फोन करेंगे। हाँ 15 तारीख के बाद फोन करेंगे। भेजो ना। नहीं नहीं आप हमको दे देगा ना? मैं तो बोला पैसा कितना लगा, बोला तो आप बोला नहीं अभी नहीं।
मैं मंगाया के बाद देगा उसे, भेज देता हूँ कल जाके देखूंगा। कल तो आपको मैं 4 बजे फोन करेगा, मेरे को कल नहीं तो परसों दिन भेजना चाहिए। आओ मैं कल जाके देख लूंगा। ठीक है, और आप काम कैसे चल रहा है अभी? काम अभी सीलिंग फैन का बढ़िया काम चल रहा है, 150-200 स्टेटर डेली आ रहे हैं अभी। वाह बहुत बढ़िया। हाँ लोग मशीन पे बना लेते 100-150 और सीएनसी पे 70-80 निकल जाते हैं। सीएनसी में कितना निकल रहा है अभी दिन में? 70-80 बस, ज्यादा नहीं होता। पतले वाले जो है 12 mm तक वो सीएनसी पे बना लेते हैं, आप जो आड़े टेढ़े कुछ प्रॉब्लम है उन लोग पे चलन देते हैं। स्टार्टिंग किस में बना रहा है, रनिंग किस में बना रहा है? सीएनसी का रेट अलग है। स्टार्टिंग कल किस में बनाता है, ग्लो पे? नहीं पूरा सीएनसी पे अंदर। अभी क्या नया सीएनसी? हाँ हाँ नया स्टार्टर लिया ना, ये पुराना बोला? अरे पुराना जो अच्छा अच्छा कॉम्बिनेशन है सीएनसी पे चलन देते हैं। हाँ जो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है वो ग्लोब पे बैठ जाता है। हाँ लेकिन नया स्टार्टर अच्छा होगा सीएनसी के लिए। हाँ वो तो फटाफट हो जाता ना, टाइम नहीं लगता उसको। हाँ बजाज का वगैरह जो आता है बजाज खेतन के, वो सब उषा के सीएनसी पे चलन देते हैं। 12 mm तक का लेमिनेशन डाई सेट करने का काम नहीं बार बार। हाँ दो ढाई मंगा लिए ना 14 pole में। अच्छा एक तरफ ठीक है ना, एक तरफ ऊपर। अभी अच्छा चल रहा है आपका सीलिंग फैन का? हाँ सीलिंग फैन चल रहा है अभी, नहीं 8-10 दिन में जरा मार्केट खुल गया सीलिंग फैन का। हाँ आप कितने बना रहे हैं रोज डेली? डेली तो हमारा पास कभी भी स्टार्टर बचता नहीं, जितना बनाता है इतना खत्म हो जाता है। डेली कितने बना पा रहे हैं अभी? डेली हमारा 100 से ऊपर निकल रहा है। ऐसा है क्या? हाँ लेकिन हमारे पास इतना पूंजी नहीं है, अभी नया स्टार्टर बनाया के लिए। नहीं तो सीजन में हम 15,000-20,000 स्टार्टर भी देता। स्टार्टर देते लेकिन वो लाने ले जाने में तकलीफ बहुत है ना, हम एक जगह बैठ के बेचते हैं ना, हम लेके नहीं जाते ना कहीं। ओ लेके नहीं जाते लेकिन क्या है, हम तो मार्केट देखना पड़ेगा। हम घूमने फिरने में तकलीफ बहुत होती है ना। नहीं आपका मार्केट अच्छा है ना? बोलो लगा देना चार्ज में। जयराम भैया में और जीतू में अंतर है ना, जीतू हो गया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड बिजनेस। क्या बोला, आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए। आप काउंटर में बेचते हैं ना जीजा जी, तो फिर वो मार्केटिंग करते हैं ना, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है ना? हाँ मार्केटिंग में करते हैं, दुकान से माल बेचते बस। हाँ वो जाके बेचते हैं, एग्जीक्यूटिव का काम वही है। तो मैं पहले करता था, उमनी में माल पहुंचाता था लेकिन आने जाने में तकलीफ बहुत हो रही ना, फिर बंद कर दिया मैंने। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, माल बेचने का बढ़िया तजुर्बा है, बेच लेते हैं। सिद्धक जी हम लोग तो घुसखोर हैं, क्या करें। अजी शक्ति भूषण पानी ग्रह जी। हाँ बोलिए दिलदार भाई। अरे सर कुछ टिप्स बताइए सर मार्केटिंग के। सर भाई मेरे को कुछ भी नहीं आती। मार्केटिंग के गुरु है सर आप, तो बताइए। मार्केट के माजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं। हाँ सर ये तो राजा है मार्केटिंग की सर। नहीं मेरे को क्या मालूम कुछ नहीं भाई, आप बड़ा बड़ा आदमी है। मैं नौकरी किया था आपको तो सबको मालूम है, नौकरी छोड़ के अभी वो काम कर रहा है, वो काम में मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं था। नहीं सर ज्यादा मीठी बात मत करिए, करो सर बताइए कुछ एक्सपीरियंस बता दीजिए अपना सर, हम लोगों को भी थोड़ा फायदा हो जाए। नहीं एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं, आपको मार्केट जाएगा तो आपको खुद एक्सपीरियंस आ जाएगा। एक बार दो बार पांच बार ऐसे घूमेगा तो एक्सपीरियंस आ जाएगा ऑटोमेटिक। बात मत छुपाओ, बोलो खुल के। मेरा पास क्या है? 200-250 कैसे बेच लेते हो? 200-250 वैसे बेच लेते हो बगैर कुछ? मेरा पास है ना, मेरा पास जंतर मंत्र है। एक जादूगर है, दूसरा जंतर मंत्र लेके बैठा हुआ है। सरकार हाँ
दोनों मिल के हिला देगा। क्या सिद्धक जी, गुड नाइट किया जाए? एक मदारी दूसरा बांदर, डमरू बजाते नचाते रहो। सिद्धक देव जी, नेपाल के हालचाल सुनाइए। ठीक है सब? बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है झमाझम। अच्छा, यहाँ पर बारिश तो इधर भी भेजो ना, हमारे इधर नहीं हो रहे ना। आज आज संजीव सर की इधर भेज दिए हैं। हाँ, थोड़ा भेज दिया उधर से भी जा रहा है। आज थोड़ा भेज दिया संजीव भैया को। जयराम सर। हाँ बोलिए। सिद्धक सर अभी नहीं भेजेंगे क्योंकि जब तक बिहार में बाढ़ ना आ जाए। हाँ, एक के बेड छोड़ेंगे। नहीं, जब बाढ़ आएगा ना तो इन्हीं का घर पहले मधुबनी वाला दहेगा। थोड़ा थोड़ा भेजेंगे, थोड़ा थोड़ा। सबसे ज्यादा बारिश अगर होता है ना तो अररिया में होता है। अरे रोज बारिश हो रहा है, रोज अररिया में और जोगबनी में। जोगबनी में जितना जितना बाढ़ होता है ना तो रेलवे का जो है ना ट्रैक भी डुबा देते हैं। डूब जाता है पूरा। हाँ, पूरा डूब जाता है हर साल। हम लोग को तो पानी रुकता ही नहीं सर। किस टाइम आएगा ये पता ही नहीं है। हाँ हाँ सर, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, शुभरात्रि, मिलेंगे मंगलवार को। नमस्कार, नमस्कार जगन्नाथ।